गुणवंत जी हमारे बहुत ही नजदीकी और प्रिय व्यक्ति हैं। ये सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, इसीलिए हमारे नजदीक है, इसीलिए आपके दिलों के नजदीक है। आत्म को खुदा मत कहो, आत्म खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आत्म जुदा नहीं। ये वो संत हैं जिसका इस हरियाणा पंजाब इन इस सृष्टि में नाम है, ऐसी गति के मालिक हैं ये संत, बाबा बालकनाथ जी योगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी कार्यकर्ता आज हमारे प्रिय श्री कुलवंत बाजीगर जी के नामांकन रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो क्योंकि ये हमारे बहुत करीबी हैं, इनकी ओर से हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज इस नामांकन रैली के अंदर पहुँचे हैं। भाई अब हमारे हेडमास्टर जी आगे, ये हमारे राजस्थान विधानसभा में जोगेश्वर गर्ग जी जो हमको सबको वहाँ पर चुप बिठाते हैं और सब पर कंट्रोल रखने वाले हमारे विधानसभा के संयोजक हैं, इस जिले के प्रभारी हैं और जालौर से हमारे विधायक हैं, लगातार पांचवी बार वहाँ से ये विधायक हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। तो भाई मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर आपसे एक ही वादा करवाने आया हूँ। गुणवंत जी हमारे बहुत ही नज़दीकी और प्रिय व्यक्ति हैं, और देखिए हमारे जो नज़दीक और प्रिय व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में एक गुण होता है कि वो ईमानदार और सच्चा होता है, वो लोगों के लिए चिंता करने वाला होता है, और वही व्यक्ति हमारे नज़दीक में सच्चा है। मैं आपसे आज गुणवंत जी के बारे में पूरे क्षेत्र के लोगों से पूछने आया हूँ, ये सच मानती है नहीं है भाई? वो पीछे वाले आकर बताओगे नहीं है? इसीलिए हमारे नजदीक है, इसीलिए आपके दिलों के नजदीक है। इस सभी सेना का हूँ, अपने खड़ा बनने से लेकर अनेकों चुनिंदर अपना नाम किया, लेकिन हमारे इस विधानसभा में आज से 5 वर्ष पूर्व जी विधायक बने थे, 5 वर्ष भी रहे और उन 5 वर्ष अंदर आवाज की गंगा बही, यहाँ आज लोगों को देखने को सुनने को, क्या ऐसा विकास पहले कभी यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ था या तो आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। आने वाली 5 तारीख को आप सभी से मेरा यही निवेदन करने आया हूँ और एक संत होने के नाते अंतरात्मा से आपसे ये आश्वासन लेने आया हूँ कि आपसे एक वचन लेने आया हूँ कि हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हो तो कहाँ की हो, सबसे बड़ी जीत हो तो कहाँ की हो कुलवंत जी, और कि हम गर्व से कहें कि हमारे लोगों ने हमारी बात पर आकर और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कुलवंत जी कर को बहुमत देकर आप सब साथियों भी मैं कोई बात तो नहीं रख सकता, क्योंकि जब संत बोल लेते हैं तो उसके बाद मेरा बात कहने का औचित्य नहीं बढ़ता, लेकिन मैं धन्यवाद करने के लिए जरूर मैंने मैं एक पकड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कुछ सीट के ऊपर रखू, आत्म को खुदा मत कहो, आत्म खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आत्म जुदा नहीं। ये वो संत हैं जिसका इस हरियाणा पंजाब इन इस सृष्टि में नाम है, ऐसी गति के मालिक हैं ये संत, बाबा बालकनाथ जी योगी। ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं और मैं एक बात कहता हूँ गुरु जी आपको, इन लोगों को इस तरीके से राजी रखूंगा जो आपने मुझे गांधी में बात कही,
के इन लोगों की बातों में खरा उतरना और आपका हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने ये बात कह दी, मैं इन लोगों का कभी लाना नहीं आने दूंगा आपके चरणों में। इस तरीके से मैं सेवा करूंगा। आप सभी साथी, जितनी भी गाड़ियां हैं, साधन है, एक गाड़ी के पीछे एक उसी तरीके से सारे लगा लेना। अभी हमने यहाँ से चौक पे जाएंगे और चौक से सीधा एसडीएम कोर्ट जाएंगे नॉमिनेशन के लिए। यहाँ से बिल्कुल आराम से चलना है। अच्छे आदमी वो होते हैं जो बिल्कुल आराम से दूसरे लोगों को सल्यूट करते जाए। लोग ये कहें कि एक संत जी का जो काफला जा रहा है उसमें कितने अच्छे लोग बड़ी इज्जत से नमस्ते करते जा रहे हैं। किसी ने हल्ला या हू करने की कोशिश नहीं करनी और सभी ने इसी तरीके से चलना है। अब मैं जयकारा छोड़ के अपनी वाणी को बढ़ा दूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय।